आप बोलोगे तो मैं जीरो पिस्टन रेस को करके दूंगा। और अगर कराची में कोई गाड़ी को गाड़ी मार गया फिर उसकी गारंटी होगी मेरी। पिछले साल एक पिनियर के ऊपर 14-15 लड़के मर गए थे, वो मेरी हाथ की गाड़ियाँ बनी हुई। स्टाइल रेसिंग होती है, इसमें किसी को धक्का मार देते हो। हाँ, बंदे की जान भी जाती है तो वो जाए। हाँ वो जाए। चौबीस दिन कोमा के अंदर 3 महीने बेहोश रहकर आ चुका हूँ। मेरा बाप तो ऐसा रोए जैसे बच्चे भी क्या रोते होंगे। मेरा बाप रोए मेरा हाथ। इंजरीज किस किस्म की आती है? हेड इंजरी, जो ये हेलमेट ना पहनने की वजह से। आप देख रहे हैं आवाम की आवाज। हाफिज शेराजी का कहना है कि सड़क पर चलना जानवर का भी हक है, लेकिन पाकिस्तान की सड़कों पर जानवरों का चलना मना है क्योंकि उनकी मौजूदगी हादसात का बायस बन सकती है। माजी बईद में कराची के लोग टांगों पर सफर किया करते थे, लेकिन ये सवारी अब खाल खाल मिलती है। अब टांगों की जगह लोहे की सवारी पर सफर करने को तरजीह दी जाती है, चाहे वो गाड़ी हो या मोटर बाइक। मोटरसाइकिल को चलाना वैसे तो दिल जिगरे का काम है, इस पर सवारी करना आसान है तो मुश्किल भी। इसको सिर्फ बैलेंस करके ही तो चलाना है, और क्या। अगरचे इसका बैलेंस आउट हो गया तो बंदा सड़क पर गिरा हुआ दिखाई देगा। ऐसे में अगर कोई आपकी सवारी के करीब 80 की स्पीड से या इससे भी तेजी से निकल जाए तो जान लीजिए ये कोई मनचला ही हो सकता है, जिसे ना किसी हादसे की परवाह है, ना अपनी फिक्र, ना दूसरे ड्राइवरों की फिक्र। सड़क चौड़ी हो या तंग, बस इन्हें तो मौत का खेल रचाने में ही मजा आता है। ये करके दिखाओ का फिक्रा ही इनकी पहली सीढ़ी होती है। अगर इसके हक में किसी ने तारीफ के पुल बांध दिए तो शर्तें लग जाएंगी। मन बहलाते बहलाते ये मन चले आदि हो जाते हैं और फिर फ्री स्टाइल मोटरसाइकिल रेस शुरू। चाहे दिन हो या रात, इन्हें सिर्फ फिक्र होती है कि आम सी मोटरसाइकिल को कैसे रेस के काबिल बनाया जाए। मोटरसाइकिल मैकेनिक मोटरसाइकिल के ज्यादातर पार्ट्स तब्दील कर देते हैं, खुदा जाने वो पार्ट्स कितने पायदार होते हैं। नतीजा ये निकलता है कि ये मनचले तेज रेस लगाते हैं और अपनी जान गवा बैठते हैं। ऐसी अमवात को हम क्या नाम दें? आखिर इनकी मौत का अमाल नामा किसके खाते में डालें? खुद इन पर, इंतजामिया पर या फिर वालदैन पर? आज के प्रोग्राम में आपको एक खतरनाक खेल और इसके खिलाड़ियों से मुलाकात करवाएंगे कि आखिर क्यों वो ये खेल खेलकर अपनी जान का खतरा मोल लेते हैं। जी, हमारा इशारा बाइक राइडिंग की जानिब है, जिसमें आम से मोटरसाइकिल को अल्टर करके रेसिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये बाइक अल्टर कैसे होती है? इसके लिए टीम आवाम की आवाज़ के मुख्तलिफ नुमाइंदों को हमने भेजा माहिर मैकेनिक्स के पास। वहाँ क्या हुआ, आइए देखते हैं। चाचा क्या हाल है? अल्लाह का करम, आप बोलो। चाचा मैंने आपका बड़ा नाम सुना है गाड़ियाँ बनाने में। किसने कह दिया भाई? मैंने बड़ा सुना है आपका चाचा अल्टर के नाम से आप गाड़ियाँ बहुत अच्छी अल्टर करते हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप बोलो। मैं पहले भी राइटिंग करता था तो पैर वगैरह टूट गया था, जिससे मैं करवाता था वो बंदा पाँव टूटने के बाद भी। जिसको आदत होती है उसको नसीहत नहीं होती चाचा। तो अब बात यह है, मुझे ये गाड़ी लेके आया हूँ, उसको फुल अल्टर करनी है, और ऐसी अल्टर करनी है कि ये हवाओं में उड़े। इसमें आपको जो डालना है आप डालो, रिंग, पिस्टन, वेट, हेड, आप बोलो, मैं पूरी गाड़ी नंगी कर दूंगा। बस मुझे ये गाड़ी चाहिए। टीम आवाम की आवाज़ ने अपने नुमाइंदे को मशहूर मोटरसाइकिल ऑल्ट्रेशन एक्सपर्ट के पास भेजा। वहाँ इनके दरमियान होने वाली गुफ्तगू सुने कि कैसे ना सिर्फ वो ये दावा कर रहे हैं कि रेस यही गाड़ी जीतेगी, बल्कि वो खुद भी बहुत शौकीन वाके हुए हैं और रेस देखने की ख्वाहिश भी जाहिर कर डाली है। आप बोलोगे तो मैं जीरो पिस्टन रेस को करके दूंगा, ठीक है, लेकिन मसला सारा ये है कि इसमें आएंगे टोटल 55,000 रुपए खर्चा। कौन कर सकते हो? मैं 60,000 भी लगाऊंगा चाचा, लेकिन मुझे गाड़ी चाहिए एक नंबर पे। गाड़ी आपको ऐसी मिलेगी पूरे कराची में, इसके मुकाबले मिलेगी और सही होके मिलेगी, बिल्कुल पूरे कराची में इसके मुकाबले में कोई गाड़ी नहीं लगनी चाहिए। इस बात की आप मुझे गारंटी दोगे? बिल्कुल गारंटी दूंगा, हर चीज़ की गारंटी। और अगर कराची में कोई गाड़ी को गाड़ी मार गया फिर उसकी गारंटी होगी मेरी, कैसे वापस? आपकी गारंटी होगी, लेकिन चलाने वाले को भी हिम्मत होनी चाहिए। क्या प्राइस कब है तुम्हारी?
आप मुझे बना के दो, दो दिन बाद मैं रेट सेट कर लूँगा अपनी। चलो मैं खुद भी देखने के लिए आऊँगा ना। हाँ बिल्कुल, मोस्ट वेलकम, आप भी आ जाओ। गाड़ी की स्पीड जितनी तेजी से बढ़ेगी इसी तेजी से चाचा की फीस भी बढ़ेगी। कहना यह है कि गाड़ी दौड़ेगी नहीं उड़ेगी। मैंने ये बगल जो है ना धूप में सुबह नहीं किए, ये गाड़ी के अंदर किए हैं। लेकिन मैं जो गाड़ी बना के दूंगा उसको कोई भी कराची के अंदर इसको फेल कर दे या कुछ कर दे वो मेरा ग्रहण। आप ये सोचते हो गाड़ी रोड पे नहीं चलनी चाहिए, हवा में उड़ेगी। बातें बहुत करता है, काम कम करता है। अब तो गाड़ी बनवाएगा जब तेरे को पता चलेगा ना मैं तेरे को क्या बोल रहा हूँ। तेरी समझ में नहीं आती कोई बात? चाचा आप मुझे मुतमईन करो ना, मुझे समझ में जब आएगी। आप मुझे पक्का मुतमईन करो, मैं 55,000 रुपए लगा रहा हूँ, 60,000 रुपए लगा रहा हूँ और मैं इतनी बड़ी रेस लगाऊँ उसमें मैं बैठ जाऊँ? आपको स्टाम्प पेपर में लिख के तो देने देना भाई। मोटरसाइकिल ऑल्टर करने वाले मैकेनिक हर गली कूचे में मौजूद हैं। एक और माहिर मैकेनिक के पास टीम अवाम की आवाज का एक और नुमाइंदा पहुंचा तो ये इंकशाफात किए गए कि उनकी ऑल्टर की गई मोटर बाइक्स पर कई राइडर्स अपनी जान भी गवा बैठे हैं, इसलिए वो इस काम से तौबा कर चुके हैं। यार एक साल हो गया, पिछले साल एपिनियर के ऊपर 14-15 लड़के मर गए थे, वो मेरी हाथ की गाड़ियां बनी हुई थी। कौन कौन सी उस्ताद? चाइना वाली सारी वन टू बाइक गाड़ी का। आपका नाम सुन के आया था, उसको जानते हो? देख लो आपको इसको, ये अपना बाबू 70 के साथ जो एक लड़का होता था। बाबू 70 को तो बेचारे को मरे हुआ 6 महीने हो गए। हाँ तो वह उसके साथ का लड़का था, साल हो गया उसको, उसकी बरसी है अभी, 4-5 दिन पहले उसकी बरसी आई है। उसकी गाड़ी आप बनाते थे? स्टार्ट है वो हमारा। लेकिन क्या कहते हैं ना कि बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया, तो ये मैकेनिक भाई भी बिलाखिर मोटरसाइकिल को अल्टर करने पर तैयार हो गए। बना देंगे अल्टर, मसला नहीं है, बेस कर रहे हो, मगर ये भी खर्चा बहुत आएगा उसके अंदर। कितना खर्चा होगा उस्ताद? ये भाई 40-50 हज़ार रुपये जरा खर्चा आएगा। खाली तुम्हारी गाड़ी के अंदर 3600 सीट और इंजन होगा। मेरा अपना क्या क्या? 3600 इंजन और सीट होगी। अच्छा बाकी सामान? भाई बहुत बहुत झंझटों में पर दिमाग की मैंने दिमाग की अपनी बस बजानी है और बज गई है। अब इन माहिर मैकेनिक ने अपने कारनामे बताकर अपने रेट बढ़ाने शुरू कर दिए, साथ ही साथ अपना खदशा भी जाहिर किया कि हादसे की सूरत में पुलिस उन्हीं को न धर ले। पैसे थोड़े नीचे उस्ताद, पैसे थोड़े नीचे करो। पैसे कम नहीं होंगे जिससे जब तुम गाड़ी भगाओगे, भाई आधा पैसा मेरा लगेगा आधा तुम्हारा लगेगा। लेकिन ये बता देना उस्ताद मेरे को आधे पैसे नहीं, आप सारे लेना जीतने के बाद। अगर मैं मर जाता हूँ, हाथ पे टूट जाता है, तो आप क्या देंगे उस्ताद? आपने तो खाली वही नाम एक देंगे बस। नाम क्या दूंगा मेरे पास आगे खड़े हो गए, एक्सीडेंट हो जाता है तुम्हारा, अल्लाह ना करे तुम्हारे लग जाए दिए चोट, तुम मेरे पास आगे खड़े हो। नहीं मैं आके नहीं खड़ा हूँगा ना, हॉस्पिटल जाऊँगा ना उस्ताद, रेस के ऊपर नाम ले दो मेरा थाने के अंदर जाके, उसको MLO को जाके बोलो जी वो फलाने ने उस्ताद से गाड़ी बनवाई थी, बाइक एक्सीडेंट दे से हमारी तो नाम तो यहाँ बंद हुए होंगे। पहले वाले मैकेनिक की तरह इन्होंने भी इंकशाफ किया कि ये रेस पर पैसे भी लगाते रहते हैं। तो उस्ताद फिर ये बात ही नहीं करते ना यार, इतनी प्यारी बात करते करते आपने फिर शर्त की लेके आ गए यार। आपने लगाई है कोई शर्तें? लगाई है मैंने तो बहुत शर्तें लगाई हैं, देखो ना हुआ भाई सब टूटे में, सब टूटे फूटे पड़े हैं। हमारे बच्चे चला रहे हैं गाड़ियाँ, वो भगाते हैं 4-5 गाड़ियाँ सेट करेंगे। कहाँ पे चलाते हैं वो? ये अपना ये शाह फैसल, शाह फैसल हो गया, दो दरिया हो गया भाई, तीन से 4 दिन तुम्हारी गाड़ी के लिए वार होना पड़ेगा। सही है, कौन सा पिस्टन डालेंगे, कौन सा हेड डालेंगे थोड़ा सा मुझे बता देंगे? ऐसा कर देंगे कि जब तुम बैठोगे ना तो गाड़ी खुद ही ऑटोमेटिक चलेगी। अब एक लंबी लिस्ट हमें बताई जा रही है कि ये तमाम पुर्जे बदल कर मोटरसाइकिल को हवाई जहाज बना देंगे। तो उसमें डालेंगे क्या, चेंज क्या करेंगे, किससे हैवी होगी? अभी तो है नहीं भाई, इसके अभी 8 सिलेंडर आएगा। अच्छा, इसके अंदर पिस्टन का डलेगा, सिराट का कितना बड़ा पिस्टन होता है, इतना बड़ा सही है, 150 का इसके अंदर 8 सिलेंडर डालना पड़ेगा, 150 गाड़ी का।
ना सिर्फ अपने कारनामे बता रहे हैं बल्कि बहुत से और मैकेनिक्स के नाम भी गिनवा रहे हैं। आए कहाँ से हो? मैं तो पीछे ही हूँ उस्ताद तुम्हारे, न्यू कराची में। न्यू कराची के अंदर इतने बड़े बड़े उस्ताद पड़े हैं, उनसे बनवा लो। यूपी में वाली जो उस्ताद बैठा हुआ उससे बनवा लो, बफर जोन में बैठा हुआ DSP उससे बनवा लो। नहीं नहीं बॉस, काले रहमान से बनवा लो, 5 नंबर से, वो भी अच्छी बना था। सब जगह गया था मैं, काले रहमान के पास भी गया था, लेकिन भगाने वाले जो बच्चे हैं ना, उन्होंने नाम आपका ही ले लिया। मतलब हफ्ते को दूंगा तो पीर मंगल हो सकती है। हाँ, गाड़ी है कोई गधा गाड़ी कोई है, पीर बोला चल मेरा भाई। लेकिन उसका ये जहन में रखना कि अगर पीर बोलेंगे ना अब तो मैं अगले इतवार की रखूंगा उससे बच्चे से। जब उसके बाद दिल करे गाड़ी थोड़ा सा रवा होने में भी, 1-2 दिन तो रवा होने में लेगी गाड़ी मेरे बेटा। तो 1-2 दिन तो लग जाएंगे ना। हाँ, तो ये गाड़ी भगाने की पड़ेगी। मैकेनिक हजरत के कारनामे तो इन्हीं की जबानी हमने आपको सुनवाए। एक ब्रेक के बाद आपको बाइक राइडर से भी मिलवाएंगे। फ्री स्टाइल रेसिंग होती है, इसमें किसी को धक्का मार देते हो, कोई गिर जाए, होता है? फ्री स्टाइल में तो ये तो होता है, लाते चलती हैं एक दूसरे के ऊपर, उसमें बंदे की जान भी जाती है। तो वो जाए? हाँ वो जाए, वो क्यों पर्चा बनाया जाता है उसका पूरा। अच्छा, फाइल बनता है। अच्छा, उस पे आप लोग साइन करते हो? साइन होते हो। उसने बोला यार एक फला फला बंदा है, उससे रेस भाग रही मेरे बच्चे की, आप लोग आके उसको दबा देना। तो उसने दबाया तो मेरे को बहुत कम, उसने मेरा लात मार के मुझे फेंक दिया शारे बदल पे। न्यू कराची की मसरूफ शारा पर हमने बच्चों के एक ग्रुप को मोटरसाइकिल को भगाते और करतब दिखाते देखा। कुछ आगे चलकर इन्हें रोका और इनसे बातचीत की। ये तमाम बच्चे इतने पुरएतमाद थे, बल्कि ओवर कॉन्फिडेंट कहा जाए तो गलत ना होगा, कि अपने शौक के आगे इनको अपनी जान की भी परवाह नहीं थी। यहाँ पे हमने देखा था कि कुछ 5-6 बाइक्स पे बच्चे हैं जो कि बहुत नौजवान लग रहे थे, बल्कि मुझे 18 साल से भी कम उम्र लग रहे थे। हमने उनको फॉलो किया, वो मुख्तलिफ करतब करते हुए, बाइक पे रेस करते हुए, डांस करते हुए, अपनी मौज मस्ती में घूम फिर रहे थे। हमने उनको रोका, हमारी टीम ने अभी यहाँ पे रुके में सारे, और इनसे ज़रा बात करते हैं कि क्या कर रहे थे और क्या इनको बिल्कुल खौफ महसूस नहीं होता। क्योंकि जो कुछ ये कर रहे थे उसको देखने के बाद मुझे खौफ आ रहा था कि अगर खुदा न खास्ता किसी की बाइक स्लिप हो जाए तो उसका क्या हाल होगा। और बाइक्स भी इनकी मेरे ख्याल में 70 हैं और शायद 125 होंगी, तो इससे बड़ी बाइक्स नहीं है, तो कैसे ही उसको कंट्रोल करते। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? बिलाल। बिलाल, ये जो आप चला रहे थे जिस तरह से बाइक को लेट के उस पर और इतनी स्पीड में व्हीलिंग कर रहे हैं, वन व्हील पे आप गाड़ी चला रहे हैं, डर बिल्कुल नहीं लग रहा था? नहीं। कब से चला रहे हो? काफ़ी टाइम हो गया चलाते हुए तुम्हारे को। कितने साल हो गए? 3-4 साल 5 साल। और ये सीखा कहाँ से सब कुछ? खुद सीख गया, शौक था एक हमारे को। कभी स्लिप हुआ? हुआ है 2-3 मरतबा स्लिप। तो उसके बाद चोटे वोटे भी आई? हाँ, टांग टूट गई थी। फिर भी बाज नहीं आए? शौक था, क्या करें, शौक में जान जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क नहीं पड़ा। अच्छा, ये बाल क्यों लाल किए हुए? ये बाल ऐसी करा लिए, इसका भी शौक था। इसका भी शौक था। और क्या क्या शौक है बेटा? ऐसा कोई शौक करो ना जिसमें आपको खतरा नहीं हो। वो जरूरी ठीक है, बालों का रंग चेंज कर लिया कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये बाइक स्लिप हो गई तो क्या होगा? ID कार्ड बना आपका? नहीं बना हुआ। 18 साल से कम उम्र हो ना? ठीक है। यहाँ पे कितने बच्चे हैं जिनका ID कार्ड बना हुआ है? मेरे ख्याल में कोई भी नहीं, भी नहीं बना हुआ। किसी का भी नहीं बना हुआ, सारे 18 साल से कम उम्र है। जो मुझे शक था वो अब यकीन में बदल गया, ये सबके सब बच्चे 18 साल से कम उम्र है। इस ग्रुप के तमाम मेंबर्स रेस के दौरान जख्मी भी हो चुके हैं, फ्रैक्चर्स हो चुके हैं, मगर ऐसा जुनून उनके सर पर सवार है कि ये इसे छोड़ने पर तैयार ही नहीं। हम कोई भी ट्रैक नहीं मिलता हमें, हम यहाँ पर घूमते फिरते हैं, हम ये खाली ट्रैकों पे आते हैं अपना शौक पूरा करने, फिर चले जाते हैं यहाँ से, लेकिन यहाँ पर भी हमें पाबंदियाँ लगाई जाती हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, पुलिस वाले आपकी शिकायत करते हैं, वो कहते हैं हमें मारते हैं, टमाटर भी मारते हैं, ये बात सच है? झूठ नहीं बोलना, सच बताना। ये तो नहीं, ये इन लोगों की हंसी से ही पता चल रहा है। देखिए ये तो सच है ना, अब ये देखिए, अब कोई बंदा गाड़ी पे लेट के भी आ रहा है, पुलिस वाला अचानक आके डंडा मारता है, तो उस सूरत में हम गिर जाए। इस पे कोई लड़का स्लिप हो जाता है आपके इस ग्रुप में से, तो उसको हॉस्पिटल जाने में कितना वक्त लगेगा, कैसे जाएंगे लेके? तो आपकी जान को खतरा नहीं है? जान को तो खतरा होता है, लेकिन हमारी इतनी कोशिश होती है, हम जो हमारे साथ होता है ना, जो गिरता है, हम उसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं, खुद लेके जाते हैं, खुद लेके जाते हैं। अच्छा, ये जो फ्री स्टाइल रेसिंग होती है इसमें किसी को धक्का मार देते हो, कोई गिर जाए, होता है? फ्री स्टाइल में तो ये तो होता है, लाते चलती हैं एक दूसरे के ऊपर, उसमें बंदे की जान भी जाती है। तो वो जाए? हाँ वो जाए, वो क्यों पर्चा बनाया जाता है उसका पूरा। अच्छा, फाइल बनता है। अच्छा, उस पे आप लोग साइन करते हो? साइन होते हो। तो ये कितने दिनों बाद रेस होती है? ये तो रेस के ऊपर बात होती है, आज डन हो जाए आज रेस हो जाएगी, कल डन हो जाए कल रेस हो जाएगी, ये रेस के ऊपर मतलब हर रोज भी हो सकता है।
ये डांस क्या कर रहे थे, कहाँ से सीखा ये? ये ऐसे ही बचपन में। आप कितने साल, आप सबसे छोटे हो शायद, है ना? कितने साल के हो? 15 साल। मास्क उतारो। नहीं, नहीं उतारना अभी, अभी इनको थोड़ी शर्म भी आ रही है कि हम मास्क नहीं दिखाएंगे। और फिर ये कहते हैं हमें पुलिस वाले पहचान भी लेते हैं, इसलिए हम रेस भी जब लगाते हैं तो मास्क पहन के, और ये पुलिस वालों के साथ छेड़खानी भी करते हैं, ये मैंने बिल्कुल नोट कर लिया, उनकी शिकायत भी आई है। ये डांस कुछ सीखा या ये भी शौक है? ऐसे अच्छा ठीक है, कोई जीत जाता तो फिर उस खुशी में डांस होता है जी। रेस के लिए इस्तेमाल होने वाली मोटर बाइक 70 और 125 है, लेकिन इसके पुर्जे बदलकर इसकी रेस बढ़ा दी जाती है, जिससे इसको कंट्रोल करना और भी मुश्किल हो जाता है, जो हादसे का सबब बनता है। यही बात इस ग्रुप के बच्चों ने भी बताई कि पैसे देकर मोटरसाइकिल में ऑल्ट्रेशन कराई जाती है। आप हैं इन सबके उस्ताद? मैं सिर्फ डांसिंग का उस्ताद हूँ। अच्छा, राइडिंग का उस्ताद हूँ। अच्छा चले, डांसिंग का कहाँ से सीखी है डांसिंग? अपने उस्ताद से सीखी। राइडिंग तो आप कर रहे थे, आप भी इनके साथ थे ना? मैं बाइक चलाते ही नहीं, बहुत कम चलाता हूँ। आप बाइक नहीं चलाते, ठीक है। तो इनको कभी समझाया, आपके अपने दोस्त ही है ना, कि ये जान का कितना खतरा है? समझाया भी है, क्या करें, इनका शौक है। आप रेस के दौरान जख्मी हुए थे जी, तो उसके बाद चोटें आई थी, तो कैसे हॉस्पिटल लेके गए, क्लिनिक पे क्या हुआ? मैं खुद ही उठा था, मैंने गाड़ी स्टार्ट करके फिर गया था। खुद ही उठ के खुद ही चले गए जी। आपकी जब टांग टूट गई थी रेसिंग के दौरान, तो उस वक्त कोई साथ था? हाँ, मेरे काफी ये दोस्त था। अच्छा, ये 4-5 दोस्त थे। आप भी थे? और किस, कब का दिन था? ईद का दिन। अच्छा, तो हम बैठे हुए थे वहाँ पर ना, बोतल पी रहे थे और बिरयानी खा रहे थे, तो दोस्त था एक हमारा, उससे हमारी मुहमारी हुई थी, तो उसने बोला अभी भगाते हैं। अच्छा, उसी वक्त रेस डिसाइड हो गई? हाँ, मेला मेरी एम में भी पैसे थे, काम वाम पैसे आए, हम पैसे से जमा थे ईद के दिन था, मेला अभी भगा लेते, कोई मतलब नहीं है। उसने बोला ये लो पैसे, हमने 15,000 रुपये की रेस भगाई, उसी वक्त डन करी। और उधर एक लड़के को मुंसिब बनाया हमने, पर्चा वर्चा तैयार करा, उधर रेस भगाई, तो थोड़ी सी आगे एक जंप थी, अब हमें पता ही नहीं था, गेप तो उसको भी काफ़ी था, इतनी देर में हमने उसको देखा, आगे जंप नहीं दिखी, उसे लगाई गाड़ी उस पर से, तो काफ़ी दूर तक रगड़ती गई। उसके बाद बहुत चोट आई होगी, गई थी मेरी, हाथ पर छिल गए थे काफी। अब यहाँ पर ये खुद देखें, आप खुद देख सकती हैं कितना सन्नाटा है। नहीं, ये तो रात में, ये तो बेटा रोड ही बाइक चलाने के लिए भी ठीक नहीं है ना, तो आप तो इस पे रेसिंग करते हो, रोड ग्रिप ही नहीं है ना। हम तो अपना यहाँ पर शौक पूरा करते ना, जब ये तो बोल रहे हैं, गवर्नमेंट से ये अपील है हमारी, कोई हमें ट्रैक दिया जाए जहाँ पर हम ये शौक करें पूरा। अच्छा ठीक है, आपकी बात मैं सुन रही हूँ, लेकिन मुझे ये बताओ, ये जो आपकी बाइक्स हैं, ये नॉर्मल बाइक्स हैं 70 और 125, ठीक है? इसके ऊपर आप कैसे रेसिंग कर सकते हो? उसकी तो बाइक्स ही मुख्तलिफ होती हैं। ये तो हम गाड़ियाँ अपनी सेट कराते हैं, मकैनिक को से सेट कराते हैं। अच्छा, इस इसमें कोई ऑल्ट्रेशन की भी है? नहीं, हाँ, जेनियन गाड़ियों में हम लोग ऑल्ट्रेशन होती है, पिस्टन वगैरह का लगवाते हैं इसमें। कितने पैसे लग जाते हैं सब? ये 30,000 रुपए, 40,000 रुपए हम लोग इस पे लुटा देते हैं एक बाइक अपना शौक करने के लिए। रेस के शौक के साथ साथ मुख्तलिफ ग्रुप्स इस पर शर्तें भी लगाते हैं, और लोग भी इस रेसिंग पर पैसा लगाते हैं, जिसे बाद में ग्रुप के मेंबरान आपस में बांट लेते हैं। अच्छा, और ये जो रेसों में पैसे लगते हैं, ये फिर किसको मिलते हैं? ये रेसों में जो, जैसे अब मिसाल के तौर पे मैंने पैसे लगाए या इसने लगाए, आपस में 4 बंदे 5 बंदे होके हम पैसे लगाते हैं। यानी ये ग्रुप है, तो इसमें से कोई एक रेस में हिस्सा लेगा और बाकी फिर पैसे जो आएंगे, जो जीतेगा वो डिवाइड हो जाएंगे, और अगर हारेगा तो भी सारे मिलके पैसे देंगे? सब मिलके पैसे देंगे, कोई ऐसा इशू नहीं है जो एक भी बंदा दे। अच्छा, यानी ग्रुप होते हैं आप लोग के इलाके में, इस इलाके में और ग्रुप भी होते होंगे जिनसे आप रेसिंग करते हो? यहाँ पर तो बहुत ज्यादा ही ग्रुप है। यहाँ पर ग्रुप्स के कोई नाम भी रखे हुए? ग्रुप्स के कोई नाम भी है? नॉट किंग हमारे ग्रुप का है। अच्छा, क्या नाम है आप? नॉट किंग। और बाकी जो दूसरा ग्रुप है? यहाँ पर तो बहुत सारे ग्रुप हैं, किस किस के नाम बताऊं मैं? बता दें जो टॉप ग्रुप्स हैं, जो ज्यादा रेस में हिस्सा लेते हैं, जीतते हैं। अच्छा, कोई और लोग भी पैसे आप लोगों पे लगा देते हैं कि ये बड़े अच्छी रेसिंग करते हैं, इन पे पैसे लगा दें? ये तो बंदे के ऊपर बात है, जैसे अब आप मिसाल के तौर पे इन भाई को हमारी रेस पसंद आ जाती है, ये हमसे बोलते हैं तुम रेस भगाओ, हम तुम्हारे पे पैसे लगाएं। अच्छा, ये इनके ऊपर बात होती है। ठीक, हम है। किसी को ये नहीं बोलते तुम हमारे पे पैसे लगाओ या हमारे लिए तुम गाड़ी चलाओ, हम अपनी जान करते हैं, अपना शौक भी पूरा करते हैं। अच्छा, तो इसमें बस मैं ये कहूंगी कि अपनी जान का आप जो है वो ख्याल रखें, हिफाजत करें। आपके घर वालों सबको पता है कि आप लोग ये शौक रखते हो? किसी को नहीं पता? घर में किसी सिर्फ को नहीं पता। तो ये पता है कि हम गाड़ी तेज चलाते हैं थोड़ी। अच्छा, ये नहीं पता है, सुनते हैं हम, ये नहीं सुनते, उसमें भी डांट सुनते हैं, लेकिन फिर भी क्या करें, शौक तो शौक होता है ना इंसान का। अच्छा जी, ये इनका शौक ज़रूर है, शौक का कोई मोल नहीं, ये तो आपने मुहावरा सुना होगा, लेकिन अपनी जान को ख़तरे में डालना कोई अकलमंदी नहीं है। ये बच्चे हैं, कम उम्र हैं, इनको शायद इस वक्त पे हम जो बातें समझाएंगे वो समझ भी नहीं आएगी, लेकिन फिर एक वही बात है कि अगर आपका शौक जो है उसको खेल की शक्ल दे दी जाए, मुख्तलिफ मुल्कों में होती है रेसिंग, हर तरह की रेसिंग होती है, तो उसमें हिफाजती इकदाम होते हैं, फिर अगर आपको कोई ख़तरा भी होता है तो उसको रोका जा सकता है। तो ये अगर हुकूमत इकदाम कर ले तो ऐसे बच्चों के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा।
मैंने सोचा कि क्यों नहीं ये जो बाइक चला रहे हैं इनके साथ बैठ के देखा जाए कि क्या थ्रिल होता है, क्या शौक होता है जो इस तरह से बाइक पे बैठ के इनका शौक पूरा होता है। लेकिन मुझे खौफ अपने लिए नहीं, इनके लिए महसूस हो रहा है, क्योंकि किसी ने भी हेलमेट नहीं पहनी हुई, कोई सिक्योरिटी मेजर्स नहीं है, बस ये बाइक की रेसें बढ़ी हुई हैं और ये बाइक ऐसे चलती चली जा रही है। तो इनको अपना शौक पूरा करना है तो उसके लिए मुकम्मल एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए। अब वो देखें, वो जो सामने बच्चा जा रहा है वो बाइक पे लेट के बाइक चला रहा है और वो कितना ख़तरनाक है अगर ये बाइक स्लिप होती है तो ये एक एक्सपीरियंस तो अच्छा हो सकता है, थ्रिल भी है, आप शौक भी पूरा कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात ये है, आपकी अवलीन तरजीह होनी चाहिए कि अपने आप को बचाएँ, अपनी जान की हिफाजत करें। इंजरीज किस किस्म की आती है? हेड इंजरी, जो ये हेलमेट ना पहनने की वजह से। उसने बोला यार एक फला फला बंदा है, उससे रेस भाग रही मेरे बच्चे की, आप लोग आके उसको दबा देना। तो उसने दबाया तो मेरे को बहुत कम, उसने मेरा लात मार के मुझे फेंक दिया शहर बदल में। बहुत से शौकीन लोग मौजूद हैं जो बाइक राइडिंग के जुनून में मुब्तला हैं, वहाँ ऐसे लोग भी हैं जो इस स्किल पर पूरा अबूर हासिल करने के बाद और बहुत सी रेसेस जीतने के बाद इस रेसिंग से मुकम्मल तौबा कर चुके हैं। इसकी क्या वजूहात हैं, आइए देखते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि एक तो वो लोग होते हैं जो मोटर बाइक चलाते हैं, ज़रूरत के लिए घर से निकलते हैं या उसको सवारी के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बहुत से नौजवान ऐसे हैं जो कि बाइक राइडिंग को एक स्किल बना लेते हैं, उसे मुख्तलिफ करतब दिखाते हैं, आपने देखा होगा वन व्हीलिंग करते हैं, पता नहीं उसकी और भी बहुत सी इकसाम होती हैं। तो हम ऐसे नौजवानों से भी बात करेंगे, लेकिन ये वो नौजवान नहीं है जो अभी तक राइडिंग करते हैं, ये वो नौजवान हैं जो कुछ वजूहात की बिना पे राइडिंग को छोड़ चुके हैं। इस वक्त हमारे साथ ऐसे एक नौजवान है अवैस। अवैस से जानते हैं कि कब इन्होंने राइडिंग शुरू की, ये क्या था जिसका इनके सर पे जुनून सवार था और फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने बाइक राइडिंग छोड़ दी। अस्सलाम वालेकुम अवैस। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, ये जो ऑल्टर वाली गाड़ी है ये क्या होती है, इसमें क्या क्या चीज़ें चेंज हो जाती है? ऑल्टर वाली गाड़ी में ऐसा होता है कि किलोमीटर गाड़ी उतरी, कार्बोरेटर चेंज कर दिया, स्पोक चेंज कर दिया, किसी के इंजन का हेड का सामान चेंज कर दिया, बड़े वाल डाल दिए या बक्से में कट पड़वा दे, ये से अल्टर कहते हैं। तो इससे होता क्या है, स्पीड ज़्यादा हो जाती है? स्पीड ज़्यादा बढ़ जाती है, फिर स्पोक डोर की चेंजिंग हो जाती है, फिर गियर आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा, तो लूंग स्पीड हो जाती है थोड़ी। मुझे ये बताएं, ये राइडिंग के अंदर आपने बताया ना कि मैंने आपने इतना कुछ सीख लिया था, आप में गुरूर आ गया, तो ये क्या था, स्पीड में गाड़ी चलाना, कोई करतब दिखाना? जी, लेट के चलाना गाड़ी। अच्छा जी, लेट की गाड़ी चलाना, डबल में फुट रेस पर बैठ के गाड़ी चलाना, ये मेरे अंदर करतब थे। वन व्हीलिंग भी उसमें शामिल थी? वन व्हीलिंग नहीं करता था मैं। अच्छा, लेट के चलाता था और फुटर बैठ के चला लिया, जो उछाल दी गाड़ी बिठा दी, जहाँ से साइकिल नहीं निकलने वहाँ से मैंने बाइक निकाल दी। तो डर कभी नहीं लगता था कि इतने ख़तरनाक तरीके से चला रहे, खुदा ना खासा कुछ हो जाए? पर दिल मेरा मजबूत था उस टाइम, घर वालों को डर और नहीं था, वो गाड़ी भी नहीं भागते, खाली दिल भागते, जिसका दिल मजबूत है वो गाड़ी भागा लेगा। जो राइडर्स बिरादरी थी आपकी, उसमें आपकी बड़ी वाहवाह होने लगी? जी। अच्छा, बहुत वाहवाह होने लगी। फिर मेरी एक रिलेशन हुई शेडो मलिन में, शेडो इलाका है, उधर का एक लड़का था, उसको बड़ा गुरूर था अपने पर, तो हम दोनों की रिलेशन हो गई 2013 के अंदर। रात का टाइम था 1 से 2, रेस से पहले मैंने एक हफ्ता पहले गाड़ी भगाई थी एक चारे फसल पर 70, चार वाल थे उसके अंदर, दुबई स्क्रैप गाड़ी थी, वो दुबई सिर्फ से इंजन आया हुआ था उसका, बड़ा हेड था उसका, तो मैंने सीजी के साथ गाड़ी चेक करी थी, वो 125 के साथ 70, तो गाड़ी मेरे पास इतनी अवर थी कि मैं समझा गाड़ी कोई छोटी गाड़ी होगी, लेकिन मैंने भगा तो ली, जैसे मैंने गियर मार के गाड़ी उठाई गाड़ी खड़ी हो गई, गाड़ी खड़ी मुझसे संभल नहीं पा रही थी वो, लेकिन मैंने अल्लाह का नाम लेके उसको बिठाला, गाड़ी चला दी, गाड़ी चलाई, लेटी मारी मैंने पहले घर में, दूसरे घर में, चारों घर में लेट के डाले, वो मैंने गाड़ी लॉक कर दी, लॉक नहीं करनी थी गाड़ी को, लॉक कर दी, मेरी गाड़ी मार के सीज। अच्छा, मेरे को अल्लाह पाक ने वहाँ बचा लिया, गाड़ी जाम हो गई एकदम, मैं फिर मैंने क्लच पकड़ा, गाड़ी आगे निकल गई मेरी, मैं फिर जीत गया उस गाड़ी से। उसके बाद मेरी रिलेशन हुई चार बदल में, 12 से 1 की टाइमिंग थी, मैंने बारह से एक ज़्यादा रेसें रात में होती हैं? हाँ, सन्नाटे का टाइम होता है, लेकिन मेरा टाइम था रश का। अच्छा, मेरे को अपने पर गुरूर बोलता, राइडिंग पर गुरूर बोलता मुझे,
तो वो आपने गुरूर में सोचा कि इस टाइम पे मैं रेस करूंगा, मैं अच्छा अच्छे तरीके से कर लूंगा, जीत जाऊंगा। नमाज से पहले भी था मैं, तो मैं शाहबदल में गाड़ी सेट कराने गया इंडिकेटर उतरवाने, तो मेरे उस्ताद ने बोला यार गाड़ी तो बहुत हवर है, देख के चलाइए। मैंने ऐसे की नमाज़ पढ़ने मस्जिद में गया, मस्जिद में ताला बंद, मेरा दिल में ही घबरा गया। मैंने बोला बाकी अल्लाह रहम करे। मेरी रेस छुटी 1-2-3 को, मैंने पहली गियर में उसको गेप दी, मेरी गाड़ी बहुत हवर थी, पर मैंने गेप दिया है पीछे थे एक शाहबदल काला थी, फिर शाहबदल में काला थी राइडर हो, शाहबदल किंग है, उससे मेरे 3-4 फट्टे हो चुके। उसने रख ली मेरे अंदर टसल, उसने भेजा मुझे एक बच्चा अपने पर रेस के लिए, मैंने उससे रेस रन करी, वही बच्चा जिससे भागा रहा हूँ मैं। तो अब जब रेस हुई तो उसने बोला यार एक फला फला बंदा है उससे रेस भाग रही मेरे बच्चे की, आप लोग आके उसको दबा देना। तो उसने दबाया तो मेरे को बहुत कम, उसने मेरे लात मार के मुझे फेंक दिया शारे फसल पर। बस जब मैं गिरा हूँ तो मुझे अपना होश नहीं था, कम से कम 30-40 गाड़ी मेरे ऊपर चढ़ी हैं बाइक है, चलती भी बाइक से टांग मार के आपको गिरा दिया और 30-40 गाड़ियाँ आपके ऊपर मेरे ऊपर चढ़ी हैं। तो मेरी हालत ऐसी हो गई थी कि अल्लाह पाक किसी फकीर की हालत ही ना करे। मेरा मुंह हटा के सब जगह मेरा डैमेज था सर, दो जगह से फटा हुआ, मेरे घुटने में सुराख थे दोनों घुटनों में 1-1 इंच के, बाकी पेट पर गाड़ी चढ़ी हुई थी, मेरे हाथ में 2 राट डली हुई अभी भी। आपको तो एक नई जिंदगी मिली, अल्लाह पाक ने मुझे, लेकिन मानने का प्रोग्राम था, लेकिन अल्लाह पाक ने मुझे ज़िंदगी दे दी। और मैं फिर 24 दिन कोमा के अंदर 3 महीने बेहोश रहकर आ चुका हूँ जीना में। तो उस दौरान आपके घर वालों पे क्या गुजरी होगी? आप मेरे घर वाले तो ऐसे बैठे थे, फकीर भी अच्छे होंगे, ऐसे बैठे थे मेरे घर वाले। मुझे उस टाइम तो अपने जुनून था खाली राइडिंग का, लेकिन मुझे बाद में पता लगा मेरे घर वालों के साथ दिन गुजारे अस्पताल में बैठ के। मेरा बाप तो ऐसा रोए थे, बच्चे भी क्या रोते हैं जो मेरा बाप रोए मेरे खातिर। जवान औलाद को इस हाल में देख के, जिसकी औलाद जाती है उसका उसके हाल से, उसके दिल से पूछो उसका हाल। इस वाक्य के बाद थोड़ा सा अकल आई कि ये काम ठीक नहीं है, ये काम तो ठीक नहीं है, गलत है। पर लेकिन मैं अपनी माँ बहनों से गुजारिश करता हूँ, जिनकी बेटे हैं, जिनके भाई हैं, जिनकी औलाद है और जिनके मियाँ, कि वो भी अपने बच्चों को संभाल लें। आज अपने बच्चों को गुरूर तो इतना कि भाई के ले आके दे दी, लेकिन वो यही नहीं पता उनका बच्चा के घर, जिसने बिल गाड़ी बनाई उसके भी बिल नहीं है, ये गाड़ी उसकी भी नहीं है जिसने गाड़ी बनाई है। लेकिन गाड़ी की एहतियात हर माँ बहन को जरूरी है। ले मुझे ये बताएं वैस कि जब आप बाइक राइडिंग करते थे, आपके घर वालों को जब पता चलता था वो मना करते थे? मना करते, अम्मी कहती होंगी, बहन को खौफ आता होगा। अम्मी का मेरा इंतकाल हो गया 8 साल हो 2008 में, अगर मेरी अम्मी होती तो मेरे पास गाड़ी नहीं होती, ना मेरा ख्याल होता। तो घर वाले इसका मतलब मना करते थे, बाकी भाई बहन आपने नहीं सुनी? जब मेरी रेस थी तो मेरा भाई रो के मुझसे फ़ोन पर बात कर रहा था कि तू आज रेस मत भागा, तो मैंने उसको बोला था मेरी पहली और आखिरी रेस है, उसके बाद नहीं भागूंगा। अच्छा मुझे ये बताएं, जो रेस लगती थी जो 2 लोगों के दरमियान या 3-4 लड़कों के दरमियान, मेरे को पैसे भी मिलते थे जीतने पे? मेरे ऊपर किसी ने पैसे लगाए थे 10,000 रुपये सब्जी वाला मार्केट में आके, मेरे ऊपर लोग पैसे लगाते थे अपने, कुछ नहीं लगाता था। तो ये बाकी सब भी ऐसे ही करते हैं रेस में, ऐसे ही होता है? ऐसे लोग बहुत से लोग हैं उनको पैसे लगाते हैं, जिसे नामी ग्रामी राइडर हैं उन पे पैसा लगता है। तो बाकायदा ये एक बिजनेस की तरह से रेसिंग होती जी, है जी बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन ये बिल्कुल सरासर गलत है। जैसे कोई भी खेल होता है वो खेल के मुख्तलिफ तरीके होते हैं, जैसे रेसलिंग है या बॉक्सिंग है, इससे मुख्तलिफ चीज़ें जी, जो बाइक राइडिंग होती है इसके भी कुछ मुख्तलिफ गेम्स होती हैं। एक होती है फायर रेस, जो अपने अपने पट्टे पे चलानी पड़ती है, फायर रेस, फेयर रेस। अच्छा, तो अपने पट्टे पे चलेगा, मैं अपने पट्टे पे, इसमें फ्री स्टाइल को फेंकने वाली होती है। अच्छा, फ्री स्टाइल में कहीं से भी गुजर जाए और किसी को मार भी दें? अच्छा, जो राइडर वही गिरा सकते हैं दूसरों को, जो राइडर भगाते हैं गाड़ी, दो गाड़ी में भगाते हैं दो राइडर, वो एक दूसरे कोई भी गिरा सकता है। अच्छा, रश में भी आप करते थे रेस जी? जब खाली सड़क पर भी करते थे, रश में भी कोई परवाह नहीं होती थी किसी गाड़ी को लग जाए, एक्सीडेंट हो जाए? आप लोग की वजह से एक्सीडेंट भी तो होते होंगे जब आप जूम करके यूं यूं बाइक्स लेके जाते हैं। बाइक वाले गलती, लेकिन बाइक वाले बोलते हैं मेरी गलती नहीं, गलती बाइक वाले की होती है। और सिग्नल्स भी बहुत ज़्यादा तोड़ते हैं बाइक वाले, सिग्नल तो कोई रोकते ही नहीं, अल्लाह माफ़ करे, मैंने खुद नहीं रोका अभी 2010 से लेकर 15-13 तक, एक सिंगल पे गाड़ी नहीं रोकी मैंने भी, गलत तो मैंने ही बहुत किया। देखें, ये वो बच्चा है जिसको एहसास हो गया कि इसने गलत किया, लेकिन ऐसे बहुत से बच्चे इस वक्त प्रोग्राम भी देख रहे होंगे जिनको एहसास नहीं होगा, वो थ्रिल में इस चीज़ को एंजॉय करते होंगे कि किसी सिग्नल पे नहीं रुक रहे, इतनी ट्रैफिक जैम है उसमें भी बाइक को घुमा घुमा के निकाल के लेके जा रहे हैं, पुलिस वाले ने रोका है तो इतनी तेज़ी से निकल गए कि वो बेचारा उसके पीछे भी नहीं आ सका। लेकिन एक लम्हे के लिए ये सोचेंगे ये सब कुछ आपकी जान के लिए कितना ख़तरनाक है, तो मेरा ख्याल है कोई भी जी शऊर आदमी ऐसी चीज़ नहीं करेगा जो उसकी जान को लेने का बायस बन जाए।
قابل توجہ بات یہ ہے کہ بائک ریسنگ کوئی انہونی چیز نہیں ہے، یہ کھیل کی صورت میں بہت سے ممالک میں صدیوں سے جاری ہے، مگر جن ممالک میں بائک رائڈنگ کو کھیل کا درجہ حاصل ہے وہاں اصول و ضوابط اور حفاظتی تدابیر کے تحت یہ سب کیا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں نہ تو ایسے ٹریک موجود ہیں، نہ کوئی خاص ٹریننگ، نہ مخصوص موٹر بائکس، تو ایسی صورت میں یہ کھیل سے زیادہ موت کا کھیل بن چکا ہے۔ کتنے نوجوان اپنی جان گنوا چکے ہیں یا معذور ہو چکے ہیں۔ جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ آج کے پروگرام میں ہم ان لوگوں کو دکھا رہے ہیں جو کہ بائک رائڈنگ کے شوقین ہوتے ہیں۔ ایک تو نارمل اپنی ضرورت کے تحت بائک چلا رہے ہوتے ہیں، گھر والوں کو کہیں لے کے جانا، دفتر جانا، کالج اسکول جانا، یونیورسٹی جانا، لیکن کچھ ایسے بچے بھی ہوتے ہیں جن کو بائک رائڈنگ پہ کرتب دکھانے کا شوق ہوتا ہے، جو کہ ہم نے آپ کو دکھایا بھی کہ کس طرح سے الٹی سیدھی حرکتیں کرتے ہیں، بعض اوقات اپنی جان کو خطرے میں ڈال لیتے ہیں، اس کو کھیل کا نام دیتے ہیں، حالانکہ یہاں پر کھیل کی حیثیت نہیں حاصل ہے بائک رائڈنگ کو۔ تو اس وقت ہمارے ساتھ سول اسپتال کے انچارج ڈاکٹر کرار عباسی صاحب موجود ہیں، ان سے ہم جانتے ہیں کہ بہت سے کیسز رپورٹ ہوتے ہوں گے ڈیلی بیسس پہ، انجری کے بہت سے پیشنٹس آتے ہوں گے جس میں ٹریفک ایکسیڈنٹ بھی ہوتے ہیں، روڈ ایکسیڈنٹ والے لوگ بھی ہوتے ہیں، ان میں کتنے پرسنٹ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ بائک رائڈ کر رہے ہوتے ہیں، موٹر بائک کی سواری کر رہے ہوتے ہیں؟ یہ بائک رائڈر تو بہت زیادہ میجارٹی میں ہوتے ہیں، جن کے ایکسیڈنٹ میں جو ہمارے پاس آتے ہیں وہ ان کے ساتھ ہٹ ہو کے دوسرے بھی جو پیدل چلنے والے وہ انجرڈ ہوتے ہیں، وہ خود انجرڈ ہوتے ہیں، کئی ڈیڈ ہو جاتے ہیں، جن کو پھر لایا جاتا ہے مختلف ہاسپٹلس میں۔ تو اگر ہم ایک ڈیلی بیسس کے اوپر ایک ریشو نکالیں کہ روڈ ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں اس میں کتنے پرسنٹ بائک رائڈرس کے ہوتے ہیں، تو وہ آپ ہمیں بتا سکیں گے؟ ایکسیڈنٹ میں اصل میں اگر 100 میں سے 70% کہیں تو بائک رائڈرس ہی ہوتے ہیں، باقی تو ہیوی ویکلس جیسے ڈمپرس ہوتے ہیں یا ٹرالر ہوتے ہیں، ان کو وہ بھی ہٹ کرتے ہیں، بائک رائڈرس کو ہی زیادہ تر۔ اچھا، یعنی آپ کا یہ کہنا ہے کہ 70% والے ڈائریکٹ ڈائریکٹ ہوتے ہیں، بائک جو ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں تقریباً وہ ہوتے ہیں، اور وہ جو انڈائریکٹ بھی زیادہ تر، انڈائریکٹ بھی انہیں میں زیادہ تعداد زیادہ ہوتی ہے جو دوسری گاڑیوں کے ساتھ ہٹ ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، انجریز کس قسم کی آتی ہیں؟ ایک تو ہوتا ہے کوئی فریکچر ہو گیا، زیادہ تر ہیڈ انجری جو یہ ہیلمٹ نہ پہننے کی وجہ سے ہیڈ انجری ہوتی ہے۔ تو ہیڈ انجری تو جان لیوا بھی ہوتی ہے جیسا آپ نے بتایا، جان لیوا ہوتی ہے، اور باقی تو لمبس کے جو فریکچر ہوتے ہیں وہ الگ ہوتے ہیں، لیکن ہیڈ انجری جس کی وجہ سے ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ اچھا، اگر ہم منتھلی بیسس پہ ریشو نکالیں تو ایسے کتنے کیسز رپورٹ ہوتے ہیں جو کہ بائک رائڈرس کے ہوتے ہیں، اور ان میں پھر انجریز کی کون کون سی اقسام ہوتی ہیں، ہمیں ذرا ڈیٹیل میں بتا دیں۔ وہ تو ڈیٹا تو ابھی اس وقت مجھے یاد نہیں ہے، لیکن زیادہ تر جو ہے نا ہیڈ انجری ہوتا ہے، اس کے بعد جو لمبس کا جو ٹانگوں کے فریکچر ہوتے ہیں، بازو کے فریکچر ہوتے ہیں، چیسٹ انجریز ہوتی ہیں، جو کمپریس انجری ہے، اگر بائک سے وہ گر گیا اور وہ پیچھے سے جو گاڑی آ رہی ہے وہ اس کے اوپر چڑھ گئی، تو وہ زیادہ تر ڈینجرس وہ ہوتا ہے جس سے ڈیتھ ہوتی ہے۔ خود سلپ ہو گیا کسی وجہ سے، وہ تو بچ سکتا تھا، لیکن پیچھے سے جو گاڑی آ رہی ہے تیزی سے، وہ ان کو ان کے اوپر ان کے ٹائر چڑھ گئے اور اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ کافی ڈینجرس ہوتی ہیں کافی۔ اور سروائیو کرنے کی صورت میں معذوری کیا کیا ہو سکتی ہے؟ معذوری تو پیرالائز ہوتے ہیں، زیادہ تر پیرالائز ہوتے ہیں اگر سروائیکل، کیونکہ زیادہ تر جھٹکا جو سروائیکل جھٹکا آتا ہے ہیلمٹ نہ پہننے کی وجہ سے، تو اس کی وجہ سے زیادہ تر لوور لمب جو ہے ان کا، لوور باڈی جو ہے نا وہ پیرالائز ہو جاتی ہے۔ اچھا، یہاں کہیں جھٹکا آتا ہے؟ ہاں، یہاں سر سروائیکل، تو اس کی وجہ سے پھر آپ کی یہ اسپائنل کارڈ پہ جو انجری ہوتی ہے جس کی وجہ سے بالکل پیرالائز ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کی باتیں اب آپ غور سے سن لیں کہ اس طرح کی بے احتیاطی، ایک تو بائک سپیڈ میں چلانا، پھر اس پہ ہیلمٹ نہ پہننا، آپ اپنی جان کے ساتھ خود ظلم کر رہے ہیں۔ آپ خود فیصلہ کریں کہ آپ کو اپنی جان زیادہ عزیز ہے یا یہ چند منٹ کا تھرل آپ کو اچھا لگتا ہے کہ آپ نے ریس لگا لی، آپ نے گاڑیوں کو پیچھے چھوڑ دیا اور دوسرے بائک والوں کو پیچھے چھوڑ دیا۔ یہ ہے آٹوپسیز، ٹھیک ہے، جو ایکسیڈنٹ میں آر ٹی اے میں 482/13 میں ڈیتھ ہوئی ہیں، 482، ٹھیک ہے، 543 ہوئے 14 میں، پھر 589 ہوئے یہ 15 میں، 16 میں 558 ہوئے، تو یہ ڈیتھ ریشو ہیں جو رپورٹ ہوئے ہیں، اور کافی کیسز تو رپورٹ نہیں ہوتے،
काफ़ी केसेस होते हैं जो रिपोर्ट नहीं होते यहाँ। हाँ ये आप ये देख रहे हैं कि हर साल ये रेशो बढ़ता चला जा रहा है, ये पूरे कराची का है, ये सिर्फ कराची की रेशो हम आपको बता रहे हैं, फैक्ट्स एंड फिगर्स जो आए हैं वो आपको बता रहे हैं 2013 से लेके 2016 तक। और हर साल डेथ रेट भी बढ़ रहा है एक्सीडेंट की सूरत में, रोड एक्सीडेंट की सूरत में। और उसमें डॉक्टर साहब ने जैसा कि क्लियर बताया कि मोस्टली केसेस, मोर देन 90% केसेस जो हैं वो बाइक राइडर्स के होते हैं। तो अभी 2017 का डाटा भी कंपाइल होगा जिसमें पता नहीं अल्लाह बचाए, और ये वो केसेज है जो रिपोर्ट किए गए या जो हॉस्पिटल लाए गए इंजर्ड लोग या जो एक्सपायर हो गए वो लोग, जो नहीं लाए गए जिनका पता नहीं चल सका वो इसके अलावा है। हमारी इल्तजा अरबाब इख्तियार से है तो इतनी कि या तो इसे खेल का दर्जा देकर तमाम तर तहफ्फुज फराहम किया जाए या फिर इस पर मुकम्मल बैन लगा दिया जाए। दूसरी जानिब वालदैन से हाथ बांध कर इल्तजा है कि अपने बच्चों की नकलो हरकत पर नजर रखें, कम उम्र बच्चों को मोटर बाइक की सवारी ना करने दें, और ये भी नजर रखें कि कहीं वो किसी रेस में हिस्सा तो नहीं ले रहे। आपकी कड़ी निगाह इनको किसी संगीन हादसे से बचा सकती है। इसी के साथ टीम आवाम की आवाज़ और अपनी मेज़बान फरह यूसुफ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।